हे गाइस, साइकिल अजीजन, आज हम बात करने जा रहे हैं आपका अकाउंट डीमेट अकाउंट एंजल ब्रोकिंग में है तो आप किस तरीके से बायबैक में अप्लाई कर सकते हो और बिना किसी पावर ऑफ अटॉर्नी के आपको एक्टिवेशन दे। तो मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से आपको पूरी तरह बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो बायबैक में। सबसे तो पहले आपको अपना सीडीएसएल पे अकाउंट बना लेना है, ठीक है। वहाँ पर आपको यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन दिखता है, वहाँ पर ट्रांजेक्शन में आपको जाना है सेटअप पर। सेटअप में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पे नीचे आ रहा है, लिखा आ रहा है बल्क सेटअप। यहाँ पे बल्क सेटअप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, ट्रांजेक्शन, सेटलमेंट एंड अर्ली पेइंग। आपको क्लिक कर लेना है अर्ली पेइंग पे। अर्ली पेइंग पे आप क्लिक करोगे तो एक ये ना एक डिटेल्स आ जाएंगी आपको फिल करने के लिए। सबसे पहले आपको जो आपका POA एक्टिव नहीं है पावर ऑफ अटॉर्नी, तो आपका ब्रोकर आपको डिटेल्स भेजेगा, वो डिटेल्स आपको मैनुअली इस पर फिल कर दी है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिससे आपको फिल करनी है। देखो यहाँ पे आप एक्सचेंज सेलेक्ट करते हो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। मैं यहाँ पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ एक्सचेंज नेम में, और मार्केट टाइप में टेंडर, फिर मैं टेंडर ऑफर लिखा आ रहा है, टेंडर ऑफर सेलेक्ट कर देना। फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेलेक्ट किया होता तो आपको मार्केट टाइप में क्या सेलेक्ट करना होता, बायबैक ऑफर। और यहाँ पर सेटलमेंट आईडी जो कि यहाँ पे आपको गिवन आपको आपके ब्रोकर ने यहाँ पे प्रोवाइड कराई होगी, उसकी सेटलमेंट आईडी है 2024-107। तो आपको यहाँ पे आके सेटलमेंट आईडी में सेलेक्ट कर लेना है 2024-107, उसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपका CM आईडी आपको फिल करनी है जो कि M5008 2 है। आपने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सेलेक्ट किया है तो आपकी क्या है M5008 2। तो यहाँ पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेलेक्ट किया होता तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी था 6 1 2। यहाँ मैंने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सेलेक्ट किया तो मैंने यहाँ पर M5008 2 सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आपको सर्च बार पे क्लिक करना है जो कि आपकी जियो आईडी ले लेगा। तो यहाँ पर एंटिटी आइडेंटिफाई पर क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको CM पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे UCC डिटेल फिल करने के लिए आपको UCC डिटेल पर क्लिक करना है। डिटेल पर क्लिक करने का उसका जो पहला आईडी आएगा X ID 1112, आपका TM 2 6 1 2 आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे IN डिटेल फिल करनी है, प्लस आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। प्लस आइकन के बाद आपको ISIN नंबर चाहिए होगा जिस बायबैक के लिए आप अप्लाई कर दो। मैं यहाँ पे RC ड्रग्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो ISIN आपको नंबर नहीं पता है तो NSE की वेबसाइट पे आना है और सर्च करना है RC ड्रग्स। तो RC ड्रग्स के बगल में ये नंबर आपको दिख रहा है IN E76781016, ये आपका ISIN नंबर है। यहाँ पे आपको कॉपी करके पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने का भी सर्च करोगे, सर्च पे क्लिक करना है तो यहाँ पे आपकी एड्रेस लिखा आ जाएगा। और जितने भी आप शेयर के लिए बायबैक में अप्लाई करना चाहते हो वहाँ पे नंबर ऑफ क्वान्टिटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना। ओके पे क्लिक करने के बाद ये सारी आपकी एड्रेस फिल हो गई है। यहाँ पे आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई पे क्लिक करने का ये पूछा डू यू वॉन्ट टू सेव द ट्रांजेक्शन, आपको क्लिक कर देना है ओके पर। यहाँ पे सेटलमेंट ट्रांजेक्शन टेम्प्रेरी सेटअप, फिर जो आपका ट्रांजेक्शन था वो सेटअप कर लिया, फिर ओके पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे ओके पे क्लिक करने का ये ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये आपने ये ट्रांजेक्शन आरसी ड्रग्स के बायबैक के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पे इस पर सिलेक्ट पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पर एक पिन पूछ रहा है, यहाँ पे टी पिन नहीं है, जब अकाउंट क्रिएट करोगे तो आपको एक टी पिन बनाना होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना टी पिन एंटर कर देता हूँ क्योंकि मेरा टी पिन है। यहाँ पे मैंने अपना टिपिन एंटर करने के बाद ये आपका ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो गया है। ये स्टेप से आप एंजल ब्रोकर आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही सिंपल मेथड से, और आपका डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप एंजल में दिए गए लिंक से डिस्क्रिप्शन में आपको डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको पसंद आती है तो हमें जरूर हमें लाइक करें, और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।